रुक जाइए बीजी। आइए पुलिस जी। एगी हो रहे है। पुलिस जी, ये है मेरी बहन, अभी 18 साल की नहीं हुई है, फिर भी मेरी बीजी जबरदस्ती उसकी शादी करा रही है। मनु, जगन बाबू, आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया? रिश्ता लेकर आप आए थे हमारे यहाँ, ये तो आपको देखना था ना कि आपके घर में कैसा माहौल है शादी को लेकर। चलो जी, चलो चल पुत्र। नहीं करना था रिश्ता। ओ पांच साल साहब सुनो, खड़ जाओ। सेकंड, देखो जी, बच्चे ने गंद फैलाया, बच्चा है। ओ मेरे को एक बारी मौका तो दियो, मैंने एक बारी देख लें दियो। हाँ, मैं बस 5 मिनट में मामला सुलझा क्या। भाई सोकलाल, की गल है आज वर्दी? जगन बाबू, हमें एक कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पे किसी नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है। ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। और दसो, हमारे इलाके में फॉल्स कब से दखल देने लग गई? पुलिस का दखल तो हमेशा से रहा है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमें कभी कोई गवाह नहीं मिला, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। अब गवाह मिल गया? और जनाब, बच्चे ने खुद पुलिस स्टेशन आकर रपट लिखाई है, अब इससे बड़ी गवाही क्या होगी? तो आप लोग बच्चे की बातों में आ। देखो जगन बाबू, बात ऐसी है कि ये शादी तो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये बच्ची नाबालिग है। सही गल है, गल की है सुखला, यहाँ शादी हो ही नहीं रही। वो अंदर जाके देख, रोका हो रहा है। क्या कर दिया तूने? मैंने तुझे मना किया था ना कि कुछ नहीं करना। इतना बड़ा हो गया है तू कि सब कुछ खुद करेगा, एक बार पता नहीं सकता था मुझे। पता नहीं अब क्या होगा। मम्मी, बीजी ने आपको कमरे में बंद कर दिया था और दीदी का पैर भी जला दिया था, इसीलिए मैं पुलिस लाया हूँ। और अब बैठा दिया इस गंदे आदमी के सामने। बंसल साहब, माफी मांगता हूँ, वो ठीक कर दिया ना जी। ओ बंसल साहब, बच्चा है, बच्चे तो गलती करते ही हैं, कभी कभी जाने देना। बंसल साहब, बात हमारे बीच हुई थी ना, माफी मांग रहा हूँ जी आपके सामने, अब जान दो, गुस्सा थूक दो। वो देखो जी, बच्चा है, उसको नाम है, अपने हिसाब से सीधा कर दूंगा। अभी हम अपने बड़ों के बीच में हॉल खराब नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं? बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, चलो।
पीछे। बार बार मैं अपने आप को रोकती हूं कि तेरे ऊपर हाथ ना उठे, पर तू मजबूर करती है मुझे हाथ उठाने पे। बीजी आप मम्मी को क्यों डांट रहे हो? मेरी गलती है इसमें, मम्मी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही बुलाया था पुलिस जी को। आपको जो भी कहना है मुझको कहिए, मम्मी को मत कहिए। चुप कर जा। मेरी बिरादरी में नाक कटा दी, अब बहस कर रहा है? एकदम चुप हो जा, तेरी माँ भी नहीं बचा पाएगी तुझे। मैंने तो कहती कहती लगता मैं वो मैं दुश्मन हूं इनका, पर चाही का मनु का सिमरन का गुंजल का, इतना अच्छा रिश्ता लेके आया था मैं और ऐसे मुंडे ने मैं पिंड के सामने मिट्टी पलीत कर। नहीं, मेरी मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। पीजी, पीजी मेरी मम्मी ऐसा नहीं करेंगी। चुक जुतिया। पीजी, पीजी नहीं। पीजी, चलो पीजी। नहीं। क्या छुपिया चक मम्मी चुक सिर पे मम्मी चलो वो के जा चलो मम्मी चुक जुतियां और अपने सिर पे रख और घूम पूरे आंगन में। छोड़ो मुझे मन भी सकती हूं। पर मेरी एक शर्त है। तुझे बेटी की जिंदगी प्यारी है ना, तो बेटे का मुंह झट। तूने 7 साल पहले कहा था ना कि उसका बुरा वक्त चल रहा है, और अब तो बुरा वक्त टल गया होने। तूने जैसे चाहो वैसे पाला उसे, मैं जैसे चाहूंगी वैसे पालूंगी, और तू कुछ नहीं बोलेगी बीच में। तुझसे कुछ बोल नहीं रहे, अगर शादी टूट गई तो। बेटे की परवरिश या बेटी का मोह, दोनों में से एक चुन ले। आज शाम को बंसल साहब शगनों की चुन्नी और अंगूठी लेके आ रहे हैं, तब तक का वक्त है तेरे पास, सोच ले कर ले फैसला। सिमी क्या करिए, तो पागल हो गई है क्या? कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सिमी आप अपने बेटे के लिए अपनी बेटी की बलि देने को तैयार? नहीं सिमी, ऐसा नहीं है।